इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके मुंह में सफ़ेद पैचेस हो रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद आपके मुंह में हो रहा है, जीभ में आपके गालों में सफ़ेद दाग पड़ रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, लीकोप्लेकिया इसको हम बोलते हैं। इसी की हम बात करेंगे कि ये क्यों होते हैं, क्या कारण होता है इसके होने के, कितना डेंजरस ये आपके लिए है और क्या क्या इसके ट्रीटमेंट होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, यही सब हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो जिसकी हम आज बात कर रहे हैं कि सफ़ेद पेचेस हो जाते हैं मुंह में, अब मैं फ़ोटो में आपको पहले दिखाता हूँ कि ऐसे पेचेस हो जाते हैं गालों में या फिर आपकी जीभ में हो सकते हैं, आपके लिप्स में, ओटों में हो सकते हैं, ओरल कैविटी में, मुंह में कहीं भी अगर ऐसे पेचेस हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया। और ये जो पेचेस होते हैं इनकी क्वालिटी होती है कि अगर आप इनको स्क्रैप करेंगे, इनको आप निकालने की कोशिश करेंगे तो ये ईजिली निकलते नहीं हैं। अगर आपके मुंह में वाइट पैचेस हैं, आप ट्राई करते हैं उनको निकालने का, चेक करने का, नहीं निकलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको ल्यूकोप्लेकिया की प्रॉब्लम हो रही है या हो चुकी है। अगर जनरली किसी कारण से आपके मुंह में सफ़ेद हो रहा है और प्लाक वगैरह है, तो वो आप अगर आप निकालते हैं तो वो निकल जाएगा, लेकिन अगर ल्यूकोप्लेकिया का लीजन है तो वो नहीं निकलेगा। इसके पहले जो मुँह कम खुलने की प्रॉब्लम है, ओ एस एम एफ जिसको बोलते हैं, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, उसको समझाया हुआ है, वो वीडियो आप ऊपर सजेशन आ जाएगा एक, उसमें क्लिक करके देख सकते हैं। अभी हम समझ रहे हैं ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया में आपकी माउथ ओपनिंग कम नहीं होती है, मतलब मुंह जो है आपका कम नहीं खुलता है, नॉर्मली आपका मुंह खुलेगा, बस जो वाइट पैचेस हैं वो आपके मुंह में आने शुरू हो जाएंगे। फोटो में आप देख सकते हैं, ऐसे चीक्स में हो सकते हैं, आपके गालों में हो सकते हैं या फिर जीभ में हो सकते हैं, मुंह में कहीं पर भी हो सकते हैं। अब इसके कारण को समझते हैं। अगर आप काफ़ी लंबे समय से टोबैको प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तम्बाकू अगर आप खा रहे हैं, किसी भी फॉर्म में आप खा रहे हैं, अलग अलग फॉर्म में, या फिर स्मोकिंग आप करते हैं, या फिर अल्कोहल आप लेते हैं, लंबे समय से अगर आप ये ले रहे हैं तो इसके कारण वाइट पैचेस आने लगते हैं, जनरली तम्बाकू के कारण, तम्बाकू अगर आप लंबे समय से खा रहे हैं। और ये कुछ दिनों में या कुछ महीनों में नहीं होता है, स्टार्टिंग में अगर आप खा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हो। शुरुआत में आपको छोटे छोटे पैचेस दिख सकते हैं या थोड़ा थोड़ा वाइट आपको दिख सकता है, जो हम नोटिस नहीं कर पाते, इसको हम बोलते हैं प्री ल्यूकोप्लेकिया। लेकिन ये जब समय के साथ बढ़ता है, अगर आप बंद नहीं करते हैं, जब ये बढ़ता है तो ये ल्यूकोप्लेकिया में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये पैचेस धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और हम इसको नोटिस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इसमें कोई पेन नहीं होता। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब इसके और कारणों के बारे में जानते हैं। अगर मान लीजिए आप टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, ऐसी कोई हैबिट्स नहीं है, उसके बाद भी वाइट पैचेस आपको दिख रहे हैं या वाइट लाइन आपको दिख रही है आपके मुंह में, तो ये क्यों हो रहा है? तो इसके और भी जो कारण होते हैं वो है शार्प टूथ। अगर आपके कोई टूथ शार्प हैं, नुकीले हैं, और चबाते हुए अगर आप बाइट करते हैं, चबाते हैं, और वो आपके गालों को काट रहा है और आपको पता नहीं चल पाता है उतना, तो भी वाइट पैचेस आने लगते हैं, ये भी एक कारण होता है। इसके बाद अगर कोई फिलिंग आपने कराई हुई है या फिर आपके क्राउन लगा हुआ है, जो कैपिंग दांत के ऊपर करते हैं, वो लगा हुआ है, वो अच्छे से नहीं लगा है, वो शार्प है, उससे अगर कट हो रहा है, तो इसके कारण भी ल्यूकोप्लेकिया होता है। और एक कारण होता है इल फिटिंग डेंचर। जिनके मुँह में दांत नहीं होते हैं, ऊपर नीचे निकालने रखने वाले दांत अगर आपके लगे हुए हैं, वो अगर अच्छे से फिट नहीं है, ढीले हैं और बार बार प्रॉब्लम आपको करते हैं, तो उनके इरिटेशन के कारण भी वाइट पैचेस आने लगते हैं, जिनको हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। तो ये कुछ इसके कारण हैं। टोबैको के साथ साथ ये कारण भी हो सकते हैं कि आपको वाइट पैचेस मुंह में दिख रहे हों। अब बात करते हैं कि इनसे प्रॉब्लम क्या होती है, कितने डेंजरस ये होते हैं। तो स्टार्टिंग में तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और जब ये थोड़ा बढ़ जाते हैं, वाइट पैचेस बढ़ने लगते हैं, तो भी इनमें दर्द नहीं होगा आपको। जब आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। प्रॉब्लम धीरे धीरे ये होती है कि आपको रफनेस सी फील होने लगती है, निकालने का आप ट्राई करते हैं, टंग बार बार आपका वहाँ पर जाता है, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन अगर ये आगे बढ़ता है, अगर आप इसको इग्नोर करते हैं वाइट लीजन को, जब ये सफ़ेद है, तो एक समय के बाद ये रेड लीजन्स में कन्वर्ट होने लगता है। मतलब जो वाइट पैचेस आपको दिख रहे हैं ये रेड होने लगते हैं धीरे धीरे। और जब ये रेड लीजन में कन्वर्ट हो जाता है, तब आपके मुंह में बर्निंग सेंसेशन होने लगती है, जलन आपको मुंह में फील होने लगती है, पेन भी आपको इसमें हो सकता है। तो जनरली जो ल्यूकोप्लेकिया है ये कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा इग्नोर करते हैं, रेड लीजन्स में ये कन्वर्ट होने लगे, तो आगे चल के चांसेस होते हैं कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर मुँह में वाइट पैचेस दिख रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट आपको लेना है, स्टार्टिंग में ही उनको ठीक करवाना है। और अलग अलग टाइप्स के ये हो सकते हैं, होमोजीनस हो सकते हैं, नोड्यूलर हो सकते हैं। होमोजीनस मतलब पूरे मुंह में एक सा आपको दिखेगा, नोड्यूलर
थोड़े से रफ आपको दिख सकते हैं, नोड्यूल्स आपको दिख सकते हैं, और भी अलग अलग टाइप के होते हैं ये, ज़्यादा टफ हम इसको नहीं करेंगे। अगर वाइट पैचेस दिख रहे हैं मुंह में जो स्क्रैप नहीं हो रहे हैं, निकालने पर निकल नहीं रहे हैं, तो ये ल्यूकोप्लाकिया की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको जो हैबिट है वो छोड़नी होगी। अगर आप हैबिट को छोड़ देते हैं, जो टोबैको आप खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, उसको अगर आप छोड़ देते हैं तो ये प्रॉब्लम कम होने लगती है। अगर स्टार्टिंग स्टेज में है, बिल्कुल इनिशियल शुरू ही हुआ है और आप छोड़ देते हैं, तो बहुत जल्दी ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा आपके मुंह में वाइट पैचेस हो गए हैं, उसके बाद भी आपको जब भी आप ट्रीटमेंट कराते हैं, सबसे पहले आपको अवॉइड करना पड़ता है। जो भी आपकी हैबिट है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। इसके साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, ये सारी दवाएँ आपकी चलती हैं, और साथ साथ में न्यूट्रिशियस डाइट आपको लेना है। आप ये अवॉइड कर दीजिए, जो भी आप तंबाकू के प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको अवॉइड कर दीजिए और न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए। हेल्दी डाइट आपको मेंटेन करना है। तो ये धीरे धीरे करके सॉल्व हो सकता है, धीरे धीरे करके ये ठीक हो सकता है। इसके साथ साथ मेडिसिंस आपको लेनी है जो आपको बताई गई है, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट आपको लेना है। तो ये जो हैबिट छोड़ने वाला ट्रीटमेंट है और मेडिकल ट्रीटमेंट है, इससे धीरे धीरे करके आराम लगता है। 6 महीने 1 साल तक आपको लग जाएगा, धीरे धीरे करके ठीक होगा। इसके बाद होती है सर्जरी। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सर्जिकली आप इसको ठीक करवा सकते हैं। अब सर्जरी भी दो टाइप की होती है, एक कन्वेंशनल होती है जिसमें नाइफ का यूज़ करते हैं, या इलेक्ट्रोकॉटरी एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसका यूज़ करके जो वाइट पैचेस है, वाइट लीजन्स हैं आपके, उनको हटा दिया जाता है। और दूसरी सर्जरी की बात करें तो लेज़र टेक्निक के थ्रू भी इसको हटाया जाता है। जो ल्यूकोप्लाकिया है, लेज़र से इसको हटाया जाता है, जो CO2 लेज़र्स होते हैं, इससे इसकी सर्जरी की जाती है। तो ये जनरली ल्यूकोप्लाकिया के बारे में हमने जाना। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको ल्यूकोप्लाकिया है, वाइट पैचेस आपको दिख रहे हैं, आप कन्फ्यूज थे कि ये क्या हो रहा है, तो ये ल्यूकोप्लाकिया हो सकता है। आप हैबिट को अवॉइड करें और मेडिकल ट्रीटमेंट लें तो जल्द से जल्द ये ठीक हो सकता है। इसको बिल्कुल बढ़ने ना दें, आगे जाकर ये प्रॉब्लम करता है। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।